वो जो गाड़ी की है ना वो एक बार हम आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ ऐसा इसका स्टेयरिंग मिल जाएगा, लेदर रैप रहेगा स्टेयरिंग हमारा, ऊपर टाटा का लोगो, जिसके अंदर आपको एलईडी लाइट मिलती है, वहां पे बैक लाइट इधर मिल जाती है, और 366 लीटर का काफी अच्छा और बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी हमारे पास टाटा की पंच है और ये भाई टॉप मॉडल है, क्रिएटिव एस हमारा ये मॉडल रहेगा जो टॉप मॉडल है। इसके अंदर आपको बताएंगे भी क्या कुछ आपको मिलने वाला, डिटेल से सारा रिव्यू कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। जल्दी से हम कर लेते हैं गाड़ी का एक बार रिव्यू स्टार्ट। टॉप मॉडल के अंदर हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे भी कितने सेफ्टी, कितने आपको इसके अंदर एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम और भाई क्या क्या और इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हमारा टाटा का लोगो मिल जाएगा, फ्रंट में हमारा ग्लोसी ब्लैक का पैनल दे रखा है, इधर सिर्फ फॉरन के लिए ये कटिंग दे रखी इन्होंने, नीचे हमारा क्रोम का स्टफ मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे ये DRL दे रखा है, नीचे हमारी प्रोजेक्टर लाइट इसके अंदर मिल जाती है, फोग लैंप भी मिल जाएंगे, आगे हमारा 2 के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जो इसका बम्पर है वो रफ ब्लैक के अंदर मिल जाएगा, नीचे हमारे कुछ इसमें डिजाइन मिल जाएगा एरो के अंदर। ये इसकी फ्रंट की प्रोफाइल, यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगा लाइट पे, और साइड में ये बोनट पे आपको डिजाइन मिल जाएगा, ऊपर 2 वाइपर मिल जाएंगे, डोर के ऊपर आपको डोर क्लाइडिंग मिल जाएगी, पूरा पीछे से लेकर आगे तक आपको ब्लैक का स्टफ मिलेगा, ये दोनों आपको विंडो पर ब्लैक मिल जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक अलग सा डिजाइन रहेगा। डायमंड कट हमारे अलॉय मिल जाएंगे, फ्रंट के ब्रेक डिस्क के अंदर, बैक के हमारे ड्रम के अंदर मिलेंगे, टाटा का लोगो मिल जाएगा, और जो इसका टायर साइज है 16 इंची मिल जाएगा, इससे नीचे वाले जो मॉडल आते हैं ना उसमें हमारे कुछ मॉडलों के अंदर 15 इंची टायर मिल जाते हैं, ये टॉप मॉडल है इसका हमारे को टायर जो है 16 इंची मिल जाता है, उससे ग्राउंड स्पेस भी इसका काफी अच्छा रहता है। अभी नेक्सॉन के समथिंग गाड़ी को हम देखते हैं ना, तो नेक्सॉन जैसी साइड से इसकी लुक आती है, लंबाई चौड़ाई हाइट में, लंबाई तो भाई उसकी देखो नेक्सॉन की इससे थोड़ी ज्यादा मिलने वाली, जो हाइट है ना हाइट में नेक्सॉन को साथ में आप उधर खड़ी देखो, देख लो एक बार साथ में ऐसा लगेगा भाई ये भी नेक्सॉन ही है, वो भी उधर भी हमारी नेक्सॉन, ऐसे नहीं लगा भाई हम पंच का आपको रिव्यू करें। आउटसाइड के हमारे मिरर हैं, ये आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक फोल्डेबल रहेंगे टर्न इंडिकेटर के साथ में, बॉडी कलर के हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा पैनल हमारा ये ब्लैक का रहेगा, यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक, रूफ हमारी ब्लैक के अंदर रहेगी, रूफ रेल भी ब्लैक के अंदर रहेगी, ऊपर हमारा सनरूफ है भाई इसका बड़ा सारा सनरूफ मिल जाता है, पीछे सारा फैन एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पे भी ब्लैक का स्टफ मिल जाएगा, इधर से हमारा गाड़ी के अंदर डालेंगे फ्यूल, ये यहाँ पे फ्यूल टैंक हमारे इसका मिल जाता है, इधर हमारे जो बैक के ब्रेक और ड्रम के अंदर मिल जाएंगे, पीछे सार फैन एंटीना मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाएगी, डिफोगर रहेंगे, वाइपर वॉशर के साथ में मिल जाता है, टाटा की बैजिंग रहेगी, बैक कैमरा मिल जाता है, पंच की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, इधर भी कुछ आपको अलग सा डिजाइन मिल जाएगा, पीछे 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, जो बैक लाइट है वो हमारे को यहाँ पे इसमें नहीं मिलती, जिसके अंदर आपको एलईडी लाइट मिलती है वहां पे बैक लाइट इधर मिल जाती है, और जिसमें एलईडी लाइट का सेटअप आपको नहीं मिलता तो उसकी बैक लाइट आपको यहाँ पे बीच में मिल जाएगी, अलग से डमी दे रखा ना छोटे मॉडलों में, यहाँ पे फिर वो लाइट आ जाती है, और भाई पीछे हमारे को 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर रहेंगे, नीचे हमारा भाई इसका एडजस्ट पाइप और 2 के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जो बूट है ना इसका वो ओपन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। 366 लीटर का काफी अच्छा और बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है विद पार्सल ट्रे के साथ में, यहाँ पे हमारा ना देखिए व्हाइट के अंदर ये लाइटें रहेंगी, बूट को बंद करने के लिए हैंडल इधर भी दे रखा है, 5-6 बैग हम इसके अंदर आराम से कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे ना कैरी करने के लिए कुछ और भी सामान 1 kg तक ये दे रखे, हुक दे रखे दोनों साइडों में, इसमें टूल किट दे रखी है, नीचे हमारा स्पेयर व्हील मिल जाएगा, 16 इंच स्पेयर व्हील रहेगा इसका, ये है इसका बैक का टूल, बूट में हमारे को बूट लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं मिलती, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल के अंदर भी हमारे को बूट लाइट नहीं मिल रही, इसमें हमारा ना ये ऐसे लगा का देखने में जैसे भाई टेप लगी हो, लेकिन ये पेंट है पूरा का पूरा पोर्शन, छत भी हमारी इसकी पेंट हुई भाई, कोई भी इस पे टेप का यूज नहीं किया गया प्रॉपर, हमारा इस पे पेंट हुआ ब्लैक पेंट, जैसे व्हाइट पेंट इधर साइडों में है ना वैसे ही ब्लैक पेंट इस पे किया भाई, ये नहीं रहेगा, इसकी लाइफ काफी ज्यादा रहेगी भाई, टेप का क्या रहता है कुछ साल के लिए वो फीकी पड़ जाती है, पेंट ऐसा ही रहेगा, ना ही उसमें कोई स्क्रैच वगैरह लगने का डर है भाई, टेप क्या है उखड़ने लग जाते कुछ टाइम के बाद, इसलिए पेंट इन्होंने दे रखा है, ये सही कर रखा है भाई इसके छत के ऊपर भी, और यहाँ पर साइडों में जो कर्टन है ना इन पर भी, फ्रंट में रेन वाइपर सेंसर मिल जाएगा, वो जो गाड़ी की है ना वो एक बार हम आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ से लॉक अनलॉक बूट ओपन कर सकते हैं और यहीं से गाड़ी की हेडलाइट जगा सकते हैं, टाटा की सभी गाड़ियों में ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, 2 की मिल जाएगी सेंटर लॉकिंग के साथ में, इधर टाटा का लोगो रहेगा, ये भी हमारे ऐसी, इसमें एक यहाँ पे नीचे ना इमरजेंसी की मिलती है, जब इसका सेल वीक हो जाता है तो हल्का सा इसको इस साइड में प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारी इमरजेंसी की निकल जाएगी, उससे गाड़ी को हम अनलॉक कर सकते हैं, एक बार अंदर लेके चलते हैं, कीलेस आपको एंट्री मिल जाती है, सिर्फ ड्राइवर साइड में आपको कीलेस एंट्री मिलेगी। Thank you.
ये रहेगी हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो, इधर है हमारे पावर के कंट्रोल दे रखे हैं लेफ्ट और राइट का ORBM, यहीं से हमें एडजस्ट कर सकते हैं और यहीं से इनको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ये हमारा लॉक का बटन दे रखा है, पूरी गाड़ी यहीं से लॉक हो जाएगा। अभी इसमें एक ये रहता है, जैसे हमारे को पीछे बच्चे बैठे हुए गाड़ी चलती है भाई, उन्होंने एक बार ये खींची ना तो सारी की सारी ये गाड़ी हमारी अनलॉक हो जाएगी। आउटसाइड के मिरर है हमारे, नीचे हमारा ट्विटर रहेगा, इधर ये हमारा हैंडल है, नीचे हमारे पावर के बटन दे रखे हैं, यहाँ से लेफ्ट और राइट का हम मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। वन टच अप डाउन हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो रहेगी। इधर हमारा व्हाइट का स्टफ और ब्लैक का मिल जाएगा, नीचे बोतल के लिए स्पेस दे रखा है, यहाँ पर छाता के लिए स्पेस दे रखा है और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीकर। नीचे हमारे पैडल है। इसमें ना पहले क्या होता था भाई, इस गाड़ी को जैसे यहाँ से मैंने प्रेस किया ना, यहीं से लॉक होती थी, अब वो बटन इन्होंने हटा के यहाँ की बजाय यहाँ पे दे दिया। इसको यहाँ से अब हम लॉक कर सकते हैं गाड़ी को। यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी का बटन दे रखा है, यहाँ से गाड़ी के मोड है और ये पार्किंग सेंसर का बटन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहीं पे दे रखा है। एसी के वेंट पे अलग सा ये डिजाइन मिल जाएगा, व्हाइट का डिजाइन रहेगा ये अलग रहेगा। इधर भी टेक्सचर से का डिजाइन मिल जाएगा, ऊपर हमारा रफ ब्लैक मिल जाता है और टूटर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं कर्टन पे। ये सिर्फ हमारा डम्मी रहेगा इधर साइड वाला है ना। जो नीचे हमारा टायर प्रेशर, सिक्स वे में एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाएगी, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक कैपेसिटी हमारी सीटें रहेंगी, कुछ इन पे डिजाइन मिल जाएगा। एक बार अंदर बैठ के दिखाते हैं इसका इंटीरियर। ऐसा इसका स्टेयरिंग मिल जाएगा, लेदर रैप रहेगा स्टेयरिंग हमारा, ऊपर टाटा का लोगो, यहाँ पे हमारा हॉर्न दे रखा है, इधर हमारे MID से रिलेटेड कंट्रोल दे रखे हैं, इसके क्रूज कंट्रोल रहेगा, इधर हमारा मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल दे रखा है, इधर वाइपर का कंट्रोल रहेगा, इधर हमारा लाइट का कंट्रोल मिल जाता है। और जो स्टेयरिंग है ना हमारा, टिल्ट और टेलीस्कोपी आपको मिल जाएगा। ये ना मीटर हमारा एनालॉग रहेगा इस साइड में, और इधर वाला जो डिजिटल रहेगा इसके अंदर हमारी गाड़ी की जो स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे RPM रहेगा, इसके जो मोड है गाड़ी के यहाँ पे हमारे को शो करेगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इसमें दोनों हमारे को मोड बताएगा। साथ में डिजिटल के अंदर हमारा डोर है ना जैसे ओपन हुआ है, वो वार्निंग इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ से इसका रहेगा हमारा कंट्रोल, जो सेटिंग है ना, टायर प्रेशर हमारे को यहाँ पे मिल जाता है, अबाउट बैक सेटिंग्स रहेगी इसमें, डिस्टेंस, इंस्टेंट फ्यूल वार्निंग मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रिप का ऑप्शन मिल जाएगा, AB पावर टोरक दिखाएगा, यहाँ पे सेटिंग्स रहेंगी, कुछ ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमारे को मिल जाती है। नीचे कुछ ये दिखाएगा हमारे मोड है, जैसे फ्यूल की वार्निंग दिखा देगा, इधर फ्यूल की वार्निंग इधर रखी है, FM का दिखाएगा टाइम है, इधर टेम्परेचर है, ऐसी इसकी हमारी डिजिटल के अंदर MID और इधर एनालॉग मीटर मिल जाता है। टच स्क्रीन हमारे को म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में, इसकी सेटिंग्स रहेंगी कुछ इधर से। AC हमारे को ना यहाँ पे नीचे तो मैनुअल की तरफ ये दे रखा है, यहाँ से हमारा डिजिटल भी रहेगा, दोनों दे रखे इसके अंदर, यहीं से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे को टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा पे चाहिए, कम पे चाहिए, एयर की डायरेक्शन यहीं से सेट कर सकते हैं, फैन स्पीड यहीं से हम इसकी कम और ज्यादा कर सकते हैं, मैक्स पे कर सकते हैं, कूल पे, दोनों साइड से हमारे को मिल जाएगा। मैनुअल करना है, ऑटोमेटिक हमारे को AC रखना है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नोटिफिकेशन, व्हाट 3 वर्ड्स, रेडियो, USB, ऑटो सेटअप, ब्लूटूथ ऑडियो, डूडल्स, ड्राइव, कॉन्टेक्ट, फेवरेट, iPad, पार्क असिस्ट, फोन सेटअप, सेटिंग, फोन साउंड सेटिंग के अंदर व्हीकल सेटिंग, ऑटो, फोन वॉल्यूम, टर्म, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिटेल, अबाउट है, कुछ इसके अंदर हमारे को सेटिंग्स मिल जाती हैं, थीम है, वॉइस कमांड। नीचे हमारे दो AC के वेंट मिल जाते हैं, पार्किंग इंडिकेटर रहेगा, ये डिजाइन अलग सा दे रखा है AC के वेंटों पे, व्हाइट का स्टफ मिल जाएगा। जो हम इसमें से छोटे मॉडल लेते हैं ना, बेस मॉडल है, दो तीन मॉडलों के अंदर हमारे को ये वाला स्टफ नहीं मिलता है, जो नीचे वाले मॉडलों के अंदर यहाँ पे ब्लैक मिल जाएगा या फिर हल्का सा उस पर डिफरेंट हो जाएगा। ट्विटर यहाँ पे मिल जाता है, एयरबैग यहाँ पे रहेगा, एक एयरबैग आपको यहाँ पे मिल जाता है, दो इसके अंदर आपको एयरबैग मिल जाते हैं। नीचे चार्जिंग के पोर्ट दे रखे हैं, यहाँ पे सी टाइप का है, USB, फोन के लिए काफी सारा स्पेस दे रखा है इसमें। नीचे जो गियर नोब है उस पर भी हमारे को ये डिजाइन मिल जाता है अलग से, 5 गियर के अंदर हमारी गाड़ी है, गियर नोब का यहाँ पे भी डिजाइन ऊपर की तरफ अलग सा रहेगा। USB टाइप का हमारे को चार्जर मिल जाता है, ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि भाई जैसे हमारा 12 वोल्ट का ही है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, इधर बोतल के लिए स्पेस दे रखा है, सिंपल हमारा हैंड ब्रेक मिल जाएगा, फिक्स हमारी सीट बेल्ट रहेगी ऊपर, यहाँ पे हैंडल बार नहीं मिलने वाला है। वेंटी के अंदर मिरर मिल जाएगा, डे नाइट व्यू मिरर है, एडजस्टेबल रहेगा, ये लाइट रहेगी, इधर से सनरूफ ओपन कर सकते हैं। फिलहाल ये पार्सल ट्रे में ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर मिट्टी पड़ी हुई ना, सनरूफ अभी ओपन नहीं कर सकते, यहाँ से ओपन हो जाएगा वैसे सनरूफ ही हमारा इसका। सनवाइजर के अंदर हमारे को सिंपल प्लेन रहेगा सनवाइजर, यहाँ पे हैंडल बार नहीं मिलने वाला, पीछे वाली सीटों पे रहेगा। एक बार ग्लू बॉक्स दिखाते हैं, काफी बड़ा हमारे ग्लू बॉक्स मिल जाता है, अपर भी रहेगा इसमें और लोअर भी रहेगा, दो ग्लू बॉक्स मिल जाते हैं फास्ट एड किट के साथ में, और इसमें लाइट रहेगी इधर। ये इसका फ्रंट का इंटीरियर, एक बार ना बैक में ले जाके आपको इसका स्पेस दिखाते हैं कैसा इसका स्पेस मिलने वाला है।
भाई इस गाड़ी के अंदर हमारे को ना साइड लॉक तो ऑन ही करके रखना होगा, क्योंकि ये वाला जो बटन है ना हमारा, एक बार ऐसे ये लॉक हो गया, जैसे इसको बाहर की तरफ निकालेंगे सीधा भाई विंडो ही खुलती। इसमें ये बड़ी सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। आगे की तरफ इन्होंने बटन अलग से भी दे दिया, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे अलग से रहना चाहिए। जैसे बच्चे बैठे हैं उनको नहीं पता होगा भाई अभी लॉक है गाड़ी, जैसे इसको एक बार बाहर की तरफ किया तो भाई गाड़ी पूरी की पूरी अनलॉक हो जाएगी। इसलिए हमारे को ना चाइल्ड लॉक इसके अंदर हमेशा ऑन ही रखना चाहिए, जो भी पंच ले रहा भाई उसके अंदर। ये सेफ्टी भाई आपको ध्यान में जरूर रखनी होगी, अगर पीछे बच्चे बैठते हैं तो। यहाँ पे पावर कंट्रोल दे रखा है, इधर व्हाइट का स्टफ है, नीचे बोतल के लिए स्पेस है, स्पीकर दे रखा है, लेग रूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है इसका, हेड स्पेस काफी अच्छा रहेगा, पीछे हमारे एडजस्टेबल हेड मिल जाते हैं, बीच में हमारे को आर्म रेस्ट मिल जाता है। आर्म रेस्ट हमारा सिंपल रहेगा, इसके अंदर हमारे को ना कप होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये रहेगा भाई कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दे रखा है। सीटों के पीछे इसमें पॉकेट मिल जाएगी, ड्राइवर साइड में और पैसेंजर साइड में दोनों में आपको सीट के पीछे पॉकेट मिल जाती है। ये ऐसी गाड़ी है मतलब आपको नेक्सॉन जैसे फील देगी भाई, हाइट इसकी काफी अच्छी है। यहाँ पे देखिए थाई को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, आपके पैर रखे जाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई ज्यादा आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आपको बोर महसूस नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर आपको कंफर्ट महसूस होगा इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे ऊपर है ना जो ऊपर हैंडल बार भाई आपको ना ये कमाल के दे रखा है, बिल्कुल छत के लेवल के साथ में दे रखे है, आपके सर वगैरह में बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। जैसे मैं इसको खोलता हूँ और बंद करता हूँ तो प्रॉपर ये छत के अंदर ही जाते हैं, थोड़ा सा छत ही बाहर है बल्कि ये अंदर की तरफ है। दोनों पीछे वाले साइड वाले ये सही मेरे को ऑप्शन इसमें लगा। और यहाँ पे हमारा ये सनरूफ तो दे ही रखा है इसमें भाई। पीछे का डिटेल से मैंने आपको इसका रिव्यू भी पीछे का भी करवा दिया, आगे का भी करवा दिया। प्लीज आप कमेंट्स जरूर करना भाई ये गाड़ियां किस किस को अच्छी लगी। बोनट ओपन करके ना इसका इंजन दिखाते एक बार आपको। ये रहेगा हमारा 1200 सीसी थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में गाड़ी आती है। यहाँ पर हमारा एयर फिल्टर बैटरी की फिटिंग मिल जाएगी, नीचे की कुछ हमारी इंजन की ऐसी फिटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी सर्विस कर सकते हैं ऑयल वगैरह डालने के लिए, या वाइपर में पानी डालने के लिए, कूलेंट में साथ में, इधर रेडिएटर रहेगा, इसकी फिटिंग मिल जाएगी। जो हमारी पावर टोरक है ना हमारे को पावर मिल जाती है 87 की और टोरक मिल जाती है 115 की, 20 से 21 की हमारे गाड़ी की एवरेज मिल जाएगी। चलाने पे भी भाई डिपेंड करता है, पेट्रोल के अंदर गाड़ी है चाहे आप इससे भाई 15 की एवरेज ले सकते हो, चाहे आप इससे 22 की एवरेज लेते हैं, वो डिपेंड करता आपके चलाने पर कैसे आप इसको चलाते हो। रफ चलाओगे तो भाई फिर गाड़ी आपकी एवरेज देने वाली नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे फिर आपकी गाड़ी भाई सही एवरेज आपको दे देगी। 9,20,000 रुपए इसका रहेगा भाई एक्सशोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस हमारा रहेगा इसका 10,31,000। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमारे कमेंट्स आप जरूर करना। नेक्स्ट आप गाड़ी का रिव्यू चाहता वो भी हमारे को जरूर से बताना। हम मिलते हैं यार किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।